अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं 7 न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी है और ईद मिलादुन नबी की खुशियां देश भर में मनाई जा रही है। इस समय हम खड़े हैं वसई के दीवान मान क्षेत्र में। यहाँ पर वसई की केजीएन वेलफेयर सोशल एसोसिएशन जो है उनके तत्वाधान में और दीवान मान मस्जिद के पूरे ट्रस्ट की तरफ से एक बड़े जुलूस का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी पब्लिक जो है वो इस जुलूस में, ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शामिल है। और ये लोग अपने रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज जो मिलाद का दिन है, हिंदी में कहूँ तो उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इस जुलूस में देशभक्ति का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ तिरंगे साफे में भी नजर आए, तो कुछ लोग अलग अलग रंग बिरंगी पोशाक में दिखाई दे रहे हैं। इसमें शामिल हो रहे हैं वसई के विधायक हितेंद्र ठाकुर भी आकर गए, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी यहाँ शिरकत की। और कुल मिलाकर बड़ी ही शांति से ये एक कामयाब जुलूस यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस पूरे जुलूस की ये झलकियाँ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। खान साहब, इस पूरे कार्यक्रम के जुलूस के और कार्यक्रम के सूत्रधार आप हैं, क्या कहना चाहेंगे? दो साल कोरोना में इतनी आजादी नहीं थी और 2 साल बाद में आज एक पूरी शान और शौकत से जुलूस निकल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हर साल ये 2 साल जो कोरोना का वक्त गया, काफ़ी ख़राब वक्त गया, ऐसा कभी वक्त नहीं जाए। और आप लोग सभी जानते हैं कि हर साल केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और अलमान ग्रुप और हमारे दीनदयाल नगर के भाई बहन जितने भी हैं सब लोग मिलजुल के ये जुलूस को निकालते हैं। और जुलूस के बारे में तो आप बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप देख ही रहे हैं, कामयाबी हो रही है और कामयाबी मिल रही है। और अल्लाह का भी लाख लाख एहसान है। शायद आपने देखा होगा परसों कितनी बारिश थी, लेकिन आज कितना खुला धूप है और सब लोग जुलूस का मजा ले रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौम को पैगाम ये देना चाहूँगा कि सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए। और सबसे बड़े हिंदुस्तान के अंदर हमारी सबसे बड़ी एकता ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा सब रहेंगे। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि सब मिलजुल के रहें और जहाँ पर भी रहें सब मिलजुल के रहें। समीर भाई, क्या कहेंगे आज यहाँ जुलूस में शामिल हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ईद नबीदुल्ली जो है तो उसके बारे में मैं सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और अपना भारत देश जो है, जो सभी धर्म को, सभी जातियों को, सभी लोगों को जो साथ में लेके चलता है, आज उसी माध्यम से यहाँ पर जो ये यहाँ पर जुलूस निकला है उसमें उसको मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और शुभेच्छाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको, अपने भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। आज ईद मिलादुन नबी का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है और हमारे तमाम भाई हमारे साथ में रह के हमें खुशियाँ और सबके साथ हम खुशियाँ बांट रहे हैं, बड़ी खुशी का माहौल है आज। डॉक्टर साहब, आपने सर पे तिरंगा साफा बांधा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे देश की? सर, इस देश के तिरंगा तो हमारी शान है सर, इससे तो सारी खुशियाँ हमारी मिलती है, तख्तो ताज है हमारी। हम इस तिरंगे के कलर से इतना सुकून, इतनी राहत मिलती है कि जो हम दिखा नहीं सकते। कभी कभी वक्त आता है इस बात का दिखाने का, तो सर मैंने यहाँ पे दिखाया ताकि हम दिल से रखते हैं इस तिरंगे को। तो आज खुशी का माहौल है, हमारे दिलों में भी है, हमारे जहन में भी है, तो आज हम इस तिरंगे को लगा के इतनी सुकून और शांति मिल रही है, बड़ी खुशी मिल रही है साहब। शकील भाई, क्या कहना चाहेंगे आज के इस जुलूस के बारे में और आज के जुलूस का प्लानिंग का क्या है, कहाँ से क्या रूट तय किया गया है? सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी की पूरे हिंदुस्तान के हर आवाम को हम जो है इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरा हमारा जुलूस निकला है मस्जिद दीनदयाल नगर मस्जिद, वहाँ से हम आए हैं दीवान मान से हम अभी डीजी नगर जाएंगे, डीजी नगर से हम साई नगर राइट मारेंगे, साई नगर से हम समता नगर जाएंगे, समता नगर से फिर हम जो है होते हुए ओम नगर जाएंगे, ओम नगर से हम अंबाड़ी रोड पाएंगे, अंबाड़ी रोड और ये गुरुद्वारा, फिर स्काई वॉक से हम आनंद नगर घुसेंगे, वहाँ से फिर हम केटी विजन से होते हुए फिर मस्जिद के पास हमारा जुलूस का एहतमाम होगा। कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे? 2 बजे का टाइम था, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे होता ही है, तो 2:30-3 बजे के आसपास से जुलूस निकला है। कितने बजे तक?
कितने बजे तक खत्म होगा? हमारा तो ऐसा है कि 8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। कभी बीच बीच में कहीं जूस का बंदोबस्त है, कहीं नाश्ते का बंदोबस्त है, कोई शरबत का इंतजाम किया है, अब उसके वजह से थोड़ा सा कभी, और कहीं ट्रैफिक भी हमको देखना है, हम ट्रैफिक को भी मैनेज कर रहे हैं, कहीं कोई चीज़ में अड़चन नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपने टाइम से ही निकलने पहुँचने का ये नियत रखे। बाकी इंशाल्लाह देखो। इस जुलूस को शिरकत करने कौन कौन लोग आए हैं? और पहले तो लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर यानी अप्पा थोड़ा टाइम पहले इस जुलूस में शामिल होके गए हैं और उन्होंने काफ़ी हमको मुबारकबाद पेश की। फिर पुलिस प्रशासन का काफ़ी हमारे को सहयोग रहा है, हमेशा सहयोग रहा है, और नगर पालिका का सहयोग रहा है। फिर अभी कुछ कांग्रेस वर्तक जी आके गए हैं और इस तरीके से छोटू आनंद और इस तरीके के लोग आते जा रहे हैं और फिर जुलूस की शान बढ़ाते जा रहे हैं। फिर जैसा भी होएगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम के बाद की हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।